ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता भद्रकाली, जय मां शेरोंवाली, जयकारा शेरोंवाली का बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बने रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से औरत संतान को पैदा कर सकती है, या अगर संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है तो क्या ऐसे ज्योतिषीय उपाय करें जिनके करने से औरत को संतान की प्राप्ति होती है। विवाह के बाद हर एक औरत का सपना होता है कि वह एक सुंदर बच्चे को, एक उत्तम संतान को जन्म दे, क्योंकि विवाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सुख होता है तो वह माँ बनने का ही होता है। जब स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है तब उसका एक नया जन्म प्रारंभ हो जाता है। जब उसका बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे ज्यादा खुशी माँ को ही होती है, और भगवान की कुदरत की यह एक सबसे सुंदर देन होती है। लेकिन कई बार संतान ना होना या संतान का देर से होना कई चिंताओं में डाल देता है, तो ऐसे में बहुत सी महिलाएं डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, या उन्हें मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सब समस्याएं घेरने लगती हैं। कई बार ग्रह स्थिति, कई बार ग्रह चाल ऐसी हो जाती है जिसके कारण संतान की उत्पत्ति में दिक्कत आने लगती है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्रों में गर्भ को धारण करने वाले कुछ ऐसे महादिव्य चमत्कारी टोटके बताए गए हैं जिनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो संतान की प्राप्ति बेहद जल्दी होती है। अगर आप आज के इस एपिसोड पर आए हैं और आपको भी संतान नहीं हो रही है, तो अगर आप आज का यह एपिसोड पूरा देख लेते हैं तो भगवान की कृपा से बहुत जल्द आपके घर में भी एक सुंदर संतान का, उत्तम संतान का जन्म होगा। क्योंकि आज के इस एपिसोड में जो संतान प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को आप सच्चे मन से कर लें, आपको बहुत जल्द इस उपाय के सुंदर शुभ रिजल्ट देखने को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। तो इसलिए अगर आपको भी संतान नहीं हो रही है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, तो किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। जो उपाय, जो टोटके हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताए गए हैं उनको आप सच्चे मन से कर लें, आपको भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। मेरे प्यारे दर्शकों, जो भी भक्त पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, धर्म, कर्म, व्रत, तीज त्योहार से जुड़ी सबसे सुंदर जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम विष्णवे नमः। मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज का यह नया एपिसोड लेकर कि गर्भ को धारण करने के लिए क्या ज्योतिषीय उपाय किए जाएं। सबसे पहला उपाय अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से आपने इन उपाय को सुनना है, उपाय को करते वक्त आपने गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप उपाय को सही से नहीं करेंगे उपाय का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। पहला उपाय है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बरगद के पेड़ की जड़ को लाकर लाल धागे में
स्त्री बाएं बाजू में धारण करे। जी हाँ, उपाय मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बरगद के पेड़ की जड़ लाकर लाल धागे में अगर स्त्री बाएं बाजू में धारण करती है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस उपाय को कर लें, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। संतान उत्पत्ति में जो भी रुकावट आ रही थी, गर्भ धारण में जो भी दिक्कत आ रही थी, वह दिक्कत तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएगी। उपाय को जितना आप श्रद्धा से करेंगे, जितना अधिक मन पवित्र से करेंगे, उतना ही जल्द आपको संतान की प्राप्ति होगी। जितना अधिक उपाय करते वक्त भगवान में विश्वास रखेंगे, उतना जल्द उपाय आपके लिए काम करेगा। अगले उपाय के बारे में अगर हम बात करते हैं, नींबू के पुराने पेड़ की जड़ को, जी हाँ, ध्यान से आपने उपाय सुनना है, नींबू का जो पुराना पेड़ होता है उसकी जड़ को दूध में पीसने के बाद घी मिलाकर पीने से पति प्रसंग द्वारा स्त्री को दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होती है। उपाय आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं दो दो बार आपको आराम से उपाय बता रहा हूँ। नींबू के पुराने पेड़ की जड़ को दूध में पीसकर और घी मिलाकर पीने से पति प्रसंग द्वारा स्त्री को दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होती है। महाशक्तिशाली और अति चमत्कारी उपाय है संतान को देने वाला। दो उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। ये उपाय जितना अधिक आप भाव से करेंगे, आपको उतनी ही जल्द उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। एपिसोड को शेयर जरूर कर देना है ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। जिन स्त्रियों को भी गर्भधारण में दिक्कत आ रही है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, तो ये उपाय जो अभी मैं बता रहा हूं, ये भी उन्हें जरूर करना चाहिए। जिस गाय ने पहली बार ही बछड़े का जन्म दे, जी हाँ, जो गौ माता पहली बार ब्याहे, उसका जो बछड़ा है उसको जन्म दे, उस गाय के दूध के साथ नाग केसर का चूर्ण रजो धर्म के बाद 7 दिन पीने के तुरंत बाद पति के साथ सहवास करने से बंध्या स्त्री पुत्र को जन्म दे देती है। उपाय मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जिस गाय ने पहली बार बछड़े को जन्म दिया हो, उस गाय के दूध के साथ नाग केसर का चूर्ण रजो धर्म के बाद 7 दिन लगातार पीना है और उसके बाद पति के साथ सहवास करने से स्त्री का बंध्या दोष समाप्त हो जाता है। जिन स्त्रियों को बांझपन का दोष है, अगर वह ये उपाय करती हैं, तो बड़े से बड़ा बांझ का दोष भी उनका समाप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो अगला उपाय कुछ इस प्रकार है। कदंब का पत्ता, श्वेत, श्रीखंड चंदन, कटेरी की जड़, यह सब सामान समान मात्रा में लेकर बकरी के दूध में पीसें। इस महाऔषधि को 3 रात्रि या 5 रात्रि ऋतुकाल के समय में पीने से स्त्री गर्भधारण करती है। उपाय मैं एक बार फिर आराम से आपको बता देता हूँ। कदंब का पत्ता और सफेद चंदन, कटेरी की जड़, यह सब सामान समान मात्रा में लेकर बकरी के दूध में इन्हें पीसें और इस महाऔषधि को 3 रात्रि या 5 रात्रि, जिस समय ऋतुकाल हो, उस समय पीने से स्त्री गर्भधारण करती है और सुंदर संतान को जन्म देती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से यह 4 महाशक्तिशाली उपाय मैंने आपको बताए हैं, जो एक तरह से आपके लिए अमृत संजीवनी का काम करेंगे संतान को जन्म देने में। जो स्त्रियां भी
परेशान हैं, जिनको संतान पैदा नहीं हो रही है, परिवार में टेंशन है, किसी भी तरह की संतान उत्पत्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आप विश्वास करिए, इनमें से उपाय आप ट्राई करिए, आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। साथियों, अगर एपिसोड से या आज के उपायों से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की।